मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मरीन ड्राइव के विस्तार के लिए तीसरे फेज का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इसकी मदद से अलग अलग इलाकों से लोगों को आने जाने में बहुत सुविधा होगी। ये बन जाएगा, कितना अच्छा होगा। हम तो ही ना करें नॉर्थ बिहार हाउस के रहने वाले लोगों को पटना आने के लिए या कहीं भी जाने के लिए कितना सुविधा होगी। इसी के लिए हम लोग बनवा रहे हैं, इसको हम लोग बनवा रहे हैं। तब तो था यहाँ तक और वो बख्तियारपुर तक में बन रहा था बहुत पहले से, वहाँ बख्तियारपुर से 4 किलोमीटर आगे था, उसका नाम है बख्तियारपुर। बराबर रहते हैं बख्तियारपुर तो आगे है 4 मिनट आगे सबसे पुराना है राजेंद्र सिंह जब पर सबसे पहला बना राजेंद्र सिंह। ये बात था 62 की बात, 1962। हम चाहते हैं वहाँ तक जाने का, इधर हम लोग यहाँ तक कोयलवर तक ले जाएंगे, इधर भी ले जाएंगे। तो सब सोच लीजिए कि नॉर्थ के अलग अलग इलाकों से लोगों को यहाँ पर आने में कितनी सुविधा होगी। और बाहर तो कई बना रहा है ना, प्लेन बन रहा है ना, प्लेन कर रही है सड़क थोड़ा नीचे कर रहा है ऊपर ले जा रहा है। होगा तो लोग इतनी खुशी होती है इधर जाने से, तीन रोड जब सब देखते रहता है गंगा नदी कितना अच्छा लगता है। देख लिए ना हम उसको कितना कहे करने वाले, थोड़ा सा उसको था कह दिया था इस बार फरवरी तक, तब देर हुआ हम बराबर कहते कहे कर रहे हैं, वही देर करता है इसलिए लोग देर करती है, सब कह दिए है की कर देंगे। देखिए वहीं उप मुख्यमंत्री और राज्य सरकार में सड़क एवं निर्माण मंत्री विजय सिन्हा ने मरीन ड्राइव पटना के विस्तार पर बताया कि ये बिहार को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की तरफ से सबसे बड़ा उपहार है। मरीन ड्राइव की मदद से पटना में एक जगह से दूसरी जगह जाना सुगम होगा और लोगों का समय बचेगा। पर ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का केंद्र राज्य सरकार का सबसे बड़ा उपहार बिहार को है। आज मरीन ड्राइव ये पटना के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में आवागमन सुलभ है, पर्यटन के क्षेत्र में भी हमारा बहुत उपलब्धि होगा, लोगों की आना जाना सुगम होगा। आज गुरुद्वारा हो, पटन देवी हो, और हमारे जो सबसे व्यापार का केंद्र पटना सिटी मारूपगंज है, इसका भी लोगों को आना जाना दूसरे राज्य के लोगों को 45 मिनट से 1 घंटा अब 5 से 10 मिनट में ये सुलभ हो गया। बता दें कि पटना में गंगा के किनारे बने जेपी गंगा पथ मरीन ड्राइव के तीसरे फेज के उद्घाटन के साथ ही कंगन घाट से दीघा की ओर जाने के लिए सड़क को खोल दिया गया है। ये सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।